पहनो, 1 रुपया ज्यादा कैसे ले लिया तुमने, जबरदस्ती कर रहे हो गरीब से। इन्हीं जनता से हम तुम्हारी दवा करा देंगे, हम बता रहे हैं। तुम्हारा ड्रामा जो है, अब तुम हमारे हिट लिस्ट में हो। जनता हमारी यहाँ आती है और तुम्हारे दलाल घूमते यहाँ दवाई नहीं हो पाई, चला हो अस्पताल में, फट से तुम रेफर करते हो। ये पैसा लेता है 200 रुपया, 50 रुपया तुमको देता होगा। जनता को तंग करना भूल जाओ आज के बाद। जी सर, जी सर। तुमको एक मौका हम दे रहे हैं, 1 रुपया अगर लिए तो 1,000 नहीं 10,000 तुम्हारे पॉकेट से सुला जाएगा। इस कारण से मरीज को वापस किया जा रहा है, मेरे पास मशीन नहीं है, दवा नहीं है। तुम लोग हमारे सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हो अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों को जन्म दे रही हो। तो देखा आपने भाजपा विधायक का तगड़ा ट्रेलर, जिसे देख सरकारी अस्पताल के कर्मियों के चेहरे की हवाई उड़ गई। अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे विधायक जी ने शुरुआत में ही कर्मी को मरीज से 1 रुपए की जगह 2 रुपए लेता देख लिया। फिर क्या, विधायक जी का माथा वही गर्मा गया और वह पर्ची काटने वाले कर्मी पर फायर हो गए। इतना ही नहीं, अस्पताल के अधीक्षक की भी क्लास लगाई और सीधा अल्टीमेटम दे दिया कि विधायक जी जो कहते हैं वो करते हैं, दवा सही नहीं करोगे तो जनता से दवा करवा देंगे। विधायक जी ने एक उदाहरण देते हुए सीधा कह दिया कि जब वह किसी के पीछे लगते हैं तो उसे हटवा के दम लेते हैं, फिर चाहे DM क्यों ना हो। इस दौरान विधायक ने मरीजों को रेफर कर प्राइवेट अस्पतालों में भेजने के सिस्टम पर भी CSC अधीक्षक को खूब सुनाया। चुप पहनो, कैसे ले पैसा तुम, 1 रुपया ज्यादा कैसे ले लिया तुमने, जबरदस्ती कर रहे हो गरीब से। इन्हीं जनता से हम तुम्हारी दवा करा देंगे, हम बता रहे हैं। इन्हीं यही जनता तुमको पीटेगी अगर ऐसा तुमने किया तो। इसी तरह उपाध्याय DM था तो कहा हमारे पास 5,000 गौसदन में गए हैं, हमने रेंडम चेक कराया था और सस्पेंड करा के दम लिया। मैं वो विधायक नहीं हूँ, याद रखना, अगर कलम रखा तो निपटारा हो जाओगे, कोई बचा नहीं पाएगा। लिख दिया बसवार, रामानंद बसवार, इनका 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 मुझे, आप मेरे बयान को रिकॉर्ड करो, तुरंत कार्रवाई करो। संजय नाम है इसका, एक किसान का नाम, हाँ किसान का नाम रामानंद, इसका नाम संजय जो पर्ची काट रहा है, तुरंत भगाइए इसको इस काउंटर से, दूसरे को लगाओ DP, इसके खिलाफ कार्रवाई करो। सर बड़ा दिक्कत है, तो फिर क्यों नहीं हुआ। तुम्हारा ड्रामा जो है, अब तुम हमारे हिट लिस्ट में हो। कहना तो हीरामन ना है, तुम्हारे मेहरारू का नाम कविता है। अभी तुम्हारे औरत को अस्पताल में बच्चा हुआ था क्या? हुआ था। कितना पैसा मिला था तुमको? अभी तो नहीं मिला। जनता हमारी यहाँ आती है और तुम्हारे दलाल घूमते यहाँ दवाई नहीं हो पाई, चला हो अस्पताल में, फट से तुम रेफर करते हो। देखो हम गाँव के हैं, हम गरीबी से आए हैं, हम भी लाचारी देखे हैं, ये हमें अनुभव है, हमको मत चराओ ना पढ़ाओ। मतलब क्या तमाशा मचाए हो, लूट का तुम ही केंद्र हो, अब तो ये साबित हो गया। ये पैसा लेता है 200 रुपया 50 रुपया तुमको देता होगा। जो विधायक जी देख लो नाक के सामने, ये भ्रष्टाचार। सुनो पहले, हमारी जनता को तंग करना भूल जाओ आज के बाद। तुमको एक मौका हम दे रहे हैं, 1 रुपया अगर लिए तो 1,000 नहीं 10,000 तुम्हारे पॉकेट से सुला जाएगा। आप बाहर क्यों भेजती हो, यहाँ आप लोग लिख देती हो रेफर, क्यों लिखती हो रेफर, लिखो कारण। इस कारण से मरीज को वापस किया जा रहा है, मेरे पास मशीन नहीं है, दवा नहीं है, सुविधा नहीं है। तुम लोग हमारे सरकार की धज्जियां उड़ा रही हो अस्पताल में, प्राइवेट अस्पतालों को जन्म दे रही हो, रोज अस्पताल पैदा कर रहे हो आप लोग, तमाशा मचा रखे हो यहाँ इस जिले में आप लोग। कैसे मरीज हमारे प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं जब सारी सुविधाएं हमारी सरकार ने अस्पतालों में दिया है। दरअसल फायर अंदाज वाले विधायक जी का नाम प्रेम सागर पटेल है, वह महाराजगंज जनपद की सिसवा सीट से भाजपा विधायक हैं। शुक्रवार को अचानक मिठौरा CSC का निरीक्षण करने पहुंच गए। इस दौरान मरीज दिखाने के लिए बनने वाली पर्ची के लिए 1 की जगह 2 रुपए लेने पर वह कर्मचारी पर भड़क गए। सख्त लहजे में कहा कि व्यवस्था को बदहाल बनाकर सरकार की छवि खराब मत करो, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। विधायक ने CSC अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार से कहा कि अगर मरीज को रेफर करो तो कारण लिखो कि क्यों कर रहे हो, क्योंकि अस्पताल में मरीज को जवाब देकर दलालों के माध्यम से प्राइवेट अस्पताल खड़े किए जा रहे हैं। फिलहाल भाजपा विधायक ने जिस तरह निरीक्षण किया और कमियों पर फोकस किया, उसके चलते वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NTTV भारत। तुम्हारी समस्या सुनी जाएगी।